भाई सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि एक पॉइंट पे कितना डीजल बचता है हमारा। हेलो गाइज, आज मैं आपको बताने वाला हूँ जब हमारी स्कॉर्पियो हमें वार्निंग देती है योर स्कॉर्पियो इज रनिंग रिजर्व फ्यूल, तो उसके बाद हमारी गाड़ी कितनी चल जाती है। और उसके बाद भी वो वार्निंग देती है 3-4 बार, उसके बाद भी ये लाइट ऑन होती है। ये आपको दिखाई दे रही होगी फ्यूल की, ये येलो कलर की ऑन हो जाती है। तो भाई ये मैं सब कुछ बताऊंगा कि उसके बाद कितना हमारा फ्यूल आता है, और फर्स्ट टाइम कब बोलती है वो, सेकंड टाइम कब बोलती है, थर्ड टाइम कब बोलती है, और लास्ट में ये कब आती है। तो भाई सारा कुछ कवर करेंगे इस वीडियो में। और जो ये हमारी बोलती है, इसका जो हमारा स्विच होता है वो कहाँ से रीसेट होता है, कहाँ से बंद होता है, तो सब कुछ बताऊंगा मैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और तो वीडियो को देखना एंड तक। तो भाई करते हैं जैसे कि अपनी वीडियो को स्टार्ट, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। Welcome to the Scorpio, your dream vehicle. तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि एक पॉइंट पे कितना डीजल बचता है हमारा। तो भाई ये भी मैं आपको बता देता हूँ, एक पॉइंट पे कितना डीजल बचेगा। एक पॉइंट पे भाई हमारा बच जाता है 10 लीटर डीजल, 10 या 11 लीटर। तो भाई प्रॉपर तो मैं भी नहीं नाप सकता क्योंकि गाड़ी हिलती जुलती रहती है, तो 11 और 10 के बीच में मान के चलो 1 लीटर में इतना फर्क भी नहीं पड़ेगा। और 10 लीटर होते ही ये एक बार वार्निंग देती है कि यूर स्कॉर्पियो इज रनिंग रिजर्व फ्यूल। पहले एक बार देगी, उसके बाद कब देगी, उसके बाद थोड़ी सी चल लेगी, मतलब 25 किलोमीटर बिल्कुल प्रॉपर 25 किलोमीटर पार कर लेगी, और 25 किलोमीटर पे ही बोलेगी, 25 किलोमीटर पे 2 बार बोलेगी यूर स्कॉर्पियो इज रनिंग रिजर्व फ्यूल। उसके बाद कितने पे बोलेगी, तो भाई 50 किलोमीटर तो चल ली, 50 किलोमीटर पे 3 बार बोलिए, एक बार और दूसरी बार जब 50 किलोमीटर चली है 2 बार, तो तीसरी बार बोलेगी 75 किलोमीटर पे। और तीसरी बार भाई क्या बोलेगी, 4 बार बोलेगी यूर स्कॉर्पियो हैज बीन रिजर्व फ्यूल, तो 4 बार ऐसे बोलेगी। और उसके बाद क्या होगा, 75 किलोमीटर चलने के बाद 4 बार बोल के जो ये हमारी लाइट है ये ऑन हो जाएगी, ये येलो कलर की आ जाएगी। तो भाई उसके बाद गाड़ी अपनी चल तो सकती है 15-20 किलोमीटर तो और भी चल सकती है, पर कहीं ऊंचे नीचे में गाड़ी ना चले, एवरेज कम दे, तो उसकी वजह से दिक्कत भी हो सकती है। तो भाई यही है कि अपनी गाड़ी रिजर्व फ्यूल बोलने के बाद कम से भी कम अपनी 80-85-90 इतने किलोमीटर चल जाएगी। ये घबराने की कोई बात नहीं है कि एक बार बोल गई अब तो ये 2-4 किलोमीटर भी नहीं चलेगी। तो भाई बहुत से भाई है घबरा जाते हैं, एक हमारे धर्म भाई है, उनने क्वेश्चन किया था भाई ये मेरी गाड़ी रिजर्व में लग गई अब क्या मैं पेट्रोल पंप तक पहुंच पाऊंगा या नहीं। तो भाई घबराने की कोई बात नहीं है, 10 या 11 लीटर ये फिर भी रख लेती है अपने पास, और फिर आपको वार्निंग दे दे के लास्ट में जो बिल्कुल ही भाई कतई निचोड़ना चाहता है टंकी को, उसके बाद भी ये लास्ट में येलो लाइट आएगी। अब उसके बाद आपको हवा लिब्बानी है तो हवा लिब्बा सकते हो, क्योंकि भाई इसका डीजल इंजन है तो डीजल इंजन में हवा निकालनी भी बहुत मुश्किल होती है। तो अब मैं बता देता हूँ भाई VMS है जो हमारा, इसका स्विच है वॉइस में, उसका स्विच कहाँ पे और उसको कहाँ से रीसेट कर सकते हो। तो भाई बहुत कम लोगों को पता है इसका स्विच कहाँ है, मुझे भी नहीं पता था, पर अब मुझे पता है कहाँ कहाँ नहीं। तो भाई आप कॉमेंट करके बताना आपको पता है या नहीं, और आप ये भी मुझे बताना कि आपको ये पता थी कि इसमें इतना फ्यूल बच जाता है 10 लीटर या 11 लीटर। आपको जितना मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ भाई पता थी या नहीं वो आप बता सकते हो मुझे कमेंट करके। अब मैं दिखा देता हूँ भाई जो वो हमारा VMS वॉइस मैसेज सिस्टम का जो हमारा वो होता है नॉब सी, वो कहाँ होती है। तो भाई वो होती है हमारे ग्लव बॉक्स में, आप उसे रीसेट कर सकते हो, और वो रीसेट करना मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे आपको ये चीज दिखाई दे रही होगी ये, तो भाई इससे आप रीसेट कर सकते हो इसे, और मैं अंदर तक दिखा सकता, तो भाई आपको दिखाई दे रहा होगा। तो जो भी हमारे 8 आवाज देती है जैसे वेलकम स्कॉर्पियो रिजर्व फ्यूल और हैंड ब्रेक एंगेज, डोर की वार्निंग देती है, सीट बेल्ट्स की देती है, ऑयल वगैरह सब की देती है, अगर आपको ये सब नहीं चाहिए तो आप इसे प्रेस करके रख सकते हो, ये बंद हो जाएगी साउंड, कैसी भी साउंड नहीं आएगी। तो भाई अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत बढ़िया लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना,
और वीडियो को लाइक करना। और भाई कल की वीडियो में मैं बताऊंगा ये 8 जो जो वॉइस निकालती है किस चीज की निकालती है और क्या वॉइस निकालती है। तो ठीक है भाई, ऐसे ही चैनल पे बने रहो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।